हेलो फ्रेंड, मैं वसीम और आप देख रहे हैं हमारे टेक्निकल नसीब यूट्यूब चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे एक वीडियो लेके आ चुका हूँ जिस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप जो है अपने पीछे का जो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आप पीछे में देख सकते हैं मेरा जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन कलर का है, ग्रीन कपड़ा है। इसको हटा के मैं एक असली बैकग्राउंड दूंगा, दूसरा बैकग्राउंड दूंगा। उस बैकग्राउंड देने के बाद आपको कैसा दिखेगा अपना वीडियो, आपका वीडियो कितना अच्छा दिखेगा मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरा जो बैकग्राउंड है, पीछे का जो बैकग्राउंड चेंज करने के बाद आप भी अगर इसी प्रकार से चेंज करेंगे तो आपका वीडियो कैसा दिखेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप भी अगर इसी प्रकार से बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक काइनमास्टर नाम का एप्लीकेशन होना चाहिए जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके भी आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से है जो आप जो है चेंज कर सकते हैं अपने वीडियो का पीछे का बैकग्राउंड। तो आपको इसको बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपके पास क्या क्या सामान होना जरूरी है, एक नंबर पे पहला जो है काइनमास्टर एप्लीकेशन होना चाहिए। दूसरी नंबर जो है एक आपके पास एक वीडियो शूट होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए जिस वीडियो का आप जो है बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। तो आपको करना क्या होगा, वीडियो से का जो बैकग्राउंड बनाएंगे आप जो वीडियो शूट करेंगे, शूट करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक ग्रीन कपड़ा, यानी कि पीछे में मेरा देख सकते हैं ग्रीन कपड़ा है। तो आपको भी चाहिए एक ग्रीन कपड़ा या तो फिर रेड कपड़ा। अगर ग्रीन कपड़ा नहीं है, अगर ग्रीन दीवार है तो आप उसी से भी काम चला सकते हैं। ये होता है कि मूवी में ज्यादातर मूवी में देखेंगे, हर एक मूवी में ज्यादातर नहीं, हर एक मूवी में क्या होता है, कोई भी वीडियो कोई भी मूवी शूट होता है तो ग्रीन कपड़े से शूट होता है। आपको दिखा दूं, अब देख सकते हैं हॉलीवुड का जो एक मूवी है इसमें भी क्या होता है, ग्रीन कपड़े से शूट होता है। ग्रीन कपड़ा तो क्यों शूट होता है, ग्रीन कपड़ा से इसीलिए शूट होता है, ग्रीन कपड़े में जो है वीडियो जो है क्वालिटी अच्छा होता है। तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस प्रकार से आप जो है अपना वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाजू में और एक बटन दिखा दे रहा बेल का, उसको भी ऑन कर लिए ताकि आने वाला ऐसे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे, सबसे फास्ट। तो चलिए मैं आपको बता दूं कैसे क्या करना है। जो है कि आपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं तो आपको भी स्क्रीन पर आना है। मोबाइल में आने के बाद आपको करना क्या होगा, एप्लीकेशन का जिसका लिंक बताया था मैं आपको कि काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, ये है एप्लीकेशन काइनमास्टर। तो आपको सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्या क्या करना होगा, क्या क्या स्टेप है, कितना सारा स्टेप है, मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए इसको ओपन करके दिखा देते हैं कि आप देख सकते हैं इस जगह में हम जो है काइनमास्टर का जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आ चुके हैं। आने के बाद आपको करना क्या होगा, इस जगह में प्लस वाला बटन दिखा दे रहा है, प्लस वाला आइकॉन आपको इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको कैटेगरी चूज कर लेना है, सबसे बेटर है 16:9, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इसके सामने, आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। होने के बाद आपको करना क्या होगा, होने के बाद आपको सबसे पहले मीडिया में जाना है। इस जगह में देख सकते हैं मीडिया, तो आपको सबसे पहले मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद आप जिस भी बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, जो बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, उस बैकग्राउंड को सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने एक कर लेता हूँ, तो इस जगह में देख सकते हैं मैंने एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि ये इस जगह में यही बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसको टिक कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इस जगह में आपको इस बैकग्राउंड चूज हो चुका है। अब होने के बाद आपको करना क्या होगा, आप जिस वीडियो का जो है बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं उस वीडियो को इस जगह में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद आपको इस जगह में मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद आप जिस वीडियो का जो है बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, जिस वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, उस वीडियो को आपको इस जगह में लाना है। तो आपको उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने कर लेता हूँ, यह है मेरा वीडियो, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद आपको करना क्या होगा, इस जगह में ये जो है इसको बड़ा कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। आप अगर फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन के लिए इस जगह में कोने में है, कोने में इस जगह में इसको एक ही बार में इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इस वीडियो को मैं क्रॉप कर लेता हूँ क्योंकि साइड में थोड़ा सा दीवार दिखाई दे रहा है, तो इसको कट कर लेते हैं, क्रॉप कर लेते हैं।
क्रॉप करने के बाद आपको करना होगा टिक मार्क में क्लिक कर देना है। टिक मार्क में क्लिक करने के बाद इसमें क्लिक करना है वीडियो लेयर में। वीडियो लेयर में जब भी क्लिक करोगे फुल कर लिया, लेकिन मेरे का जो पीछे का बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड अभी भी वैसे ही है जैसे आप देख रहे हैं। मेरा पीछे का जो बैकग्राउंड अभी तक चेंज नहीं हुआ, तो आपको क्या करना होगा कि हमारा जो बैकग्राउंड जो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, वीडियो का जो नीचे का लेयर है, वीडियो का लेयर में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस जगह में ऊपर नीचे में जाना है। नीचे में जाने के बाद इस जगह में देख सकते हैं एक क्रोमा की बोल के एक ऑप्शन है, तो आपको सिंपल सा काम करना है, क्रोमा की में आपको क्लिक कर देना है। जब भी क्रोमा की में क्लिक करोगे तो इस जगह में डिसेबल किया होगा, तो आपको करना क्या होगा, इसको इनेबल जो ऑप्शन है इनेबल को इनेबल कर लेना है। इनेबल जब भी करोगे तो आप देख सकते हैं मेरा जो पीछे का बैकग्राउंड था ग्रीन कपड़ा था वो हट चुका है, तो आपको भी हट जाएगा। तो हटने के बाद आपको थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट कैसे करेंगे, इस जगह में दिया हुआ है एडजस्ट करने के लिए, ये आपका जो इस जगह में देख सकते हैं मेरा वीडियो कितना अच्छा हो चुका है। तो मैं आपको दिखा दूँ मेरा वीडियो प्ले करके मेरा वीडियो कैसा हुआ। और भी आप एक चीज़ कर सकते हैं, इस जगह में क्रोमा की में जाने के बाद, क्रोमा की में इस जगह में शो मास्क में जाना है। शो मास्क में जाने के बाद जो आपका सफ़ेद दिखेगा, सफ़ेद ही आपका जो है दिखाई देगा वीडियो में, और जो ब्लैक हो जाएगा कलर काला हो जाएगा वो आपका वीडियो में नहीं दिखेगा। तो चलिए मैं सफ़ेद कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को मैं प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा वीडियो कैसा बना। जगह में देख सकते हैं मेरा वीडियो कितना अच्छा बन चुका है, आपके सामने मैं बना रहा हूँ, तो आप भी देख सकते हैं मेरा वीडियो कितना अच्छा बन रहा है। मैं आपको फिर से प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। तो आप शायद समझ चुके होंगे कि आप किस प्रकार से जो आपका वीडियो का अपना पीछे का जो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको कुछ तो प्रॉब्लम नहीं आता, प्रॉब्लम एक ही चीज़ का आता है, इस जगह में लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद सभी मोबाइल में नहीं होता है, किसी किसी मोबाइल में जो काइनमास्टर का जो एप्लीकेशन है सपोर्ट अच्छे से नहीं करता है, तो उसकी जगह में आपका ये चारों ऑप्शन दिखेगा, मीडिया जो ऑप्शन है मीडिया वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। और अगर मीडिया वाला ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप जो है उसको एडिट नहीं कर सकते या फिर बैकग्राउंड चेंज भी नहीं कर सकते। तो आप शायद समझ चुके होंगे कि आपको किस प्रकार से जो आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप जो है कि पीछे का जो बैकग्राउंड जो है कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करते हैं ये बैकग्राउंड, नेचुरल बैकग्राउंड या फिर किसी भी बैकग्राउंड कैसे डाउनलोड करते हैं या फिर कहाँ से डाउनलोड करते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में जाने के बाद आपको करना क्या होगा, उस जगह में सर्च बार में लिखना है, सर्च बार में ये लिख देना है कि आप जो है लिख सकते हो उस जगह में नेचुरल बैकग्राउंड वीडियो या फिर बैकग्राउंड नेचुरल बैकग्राउंड, आप कुछ भी लिखेंगे तो ढेर सारा आपके सामने वीडियो आ जाएगा। तो आने के बाद आपको करना है क्या है, उस जगह से आप तो डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या होगा, आप अगर इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं, इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे में जाके एक देखिए एक लिंक मिल जाएगा, लिंक से आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जितना चाहे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप शायद समझ चुके होंगे आप किस प्रकार से बैकग्राउंड लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूं मेरा जो छोटी सी ज्ञान से मैं आपको बता दिया, बहुत ही समझाने की कोशिश किया। आपको अगर इसी में भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को कॉमेंट करके ये बताइएगा, आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है जो भी प्रॉब्लम होता है वो बताइएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और रिप्ले तो जरूर दूंगा, सारे का सारा रिप्ले जरूर दूंगा और आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा। और आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आए, इस छोटी सी वीडियो अगर पसंद आए, मेरे बातें अच्छा लगा, तो आप क्या कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। और इसी चैनल में मैं नया नया वीडियो लाते रहता हूँ, तो इस वीडियो को नया नया वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी बजा दीजिए।